ये सांत्वना पुरस्कार नहीं चाहिए, रख लो अपनी सांत्वना पुरस्कार। मेरे क्या करूं मैं, वही हो रहा है जो लिखा है नसीब में। अलग दिखता हूं मैं इस भरी सी इस भीड़ में, खुदा ना बदना मुझसे मंजिल के करीब में। जो नीच है मैं उनके लिए बहुत ज्यादा नीच में। गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसके, उसे उसकी औकात बताएंगे, धीरे धीरे उसका सब कुछ छीन लेंगे, अपने आप में मर जाएगा मादर चोद। खवातीन हजरात, जितनी भी महिलाएं जितनी भी लेडीज़ हैं, उनसे सबसे मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि हो सकता है जो मैं बोल रहा हूँ मेरी भाषा अभद्र लगे आपको, सही ना लगे आपको, पब्लिकली आप सुन नहीं सकते हो, तो रिश्तेदार भी मेरे कहीं दिखेंगे, उनको भी शायद बुरा लगे कि मैं गालियाँ दे रहा हूँ, लेकिन इतना गुस्सा है ना कि इसमें तो आदमी मर मार देता है, खुद मर जाता है या सुसाइड कर लेता है या दूसरे को मार देता है, तो मैं तो सिर्फ अपना गुस्सा व्यक्त कर रहा हूँ। तो मर्ज़ी आपकी है, आपको आगे देखना है या नहीं, मैंने इन्वाइट तो किया है नहीं, तो अगर जितनी भी महिलाएँ देख रही हैं मैं उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ कि अगर कुछ मेरी बात बुरी लगे तो प्लीज़ माफ़ करना, और अगर हो सके तो प्लीज़ यहीं से वीडियो ना देखें क्योंकि शायद आपको अच्छा लगे। खैर, ये ट्रॉफी मुझे एक कॉलेज के हरामी तो नहीं कहना चाहिए, मदर चोद ने मुझे ये दिया था 26 जनवरी 2017 को। तो अब मुझे बाद में पता चला कि ये इस पर मतलब कॉलेज के जितने भी स्टाफ के लोग हैं और स्टूडेंट हैं इसे रेपिस्ट के नाम से जानते हैं, हालांकि मैंने पता किया ये रेपिस्ट तो नहीं है लेकिन ये हत्यारा जरूर है। 302 का मुकदमा है और 6 महीने जेल भी रहा है। तो उसी हरामी ने, उसी मादर चोद बहन के लौड़े ने ये ट्रॉफी दी थी मुझे, अब मैं इसको वापस तो नहीं कर सकता। राहत इंदौरी सर का शेर है कि वो अपने हाथों को पतवार भी कर सकता है, हौसला हो तो नदी पार भी कर सकता है, एक हुकूमत है जो इनाम भी दे सकती है, एक खुददार है जो इनकार भी कर सकता है। तो मैं इसे लौटा तो नहीं रहा हूँ लेकिन क्रियाक्रम करेंगे, अच्छे से करेंगे, अभी तो छोटा मोटा है। अच्छा, मुझे मैंने मेन जो वीडियो बनाने के लिए, जो बात करने के लिए आपसे मतलब आया हूँ आपके सामने, एक चीज़ और करता है कि जो भी इसे कंप्लेंट करे, चाहे मैं करूँ चाहे कोई करे या तीसरा करे, तो ये कर कहता है ना कि उसका करियर खराब कर दूंगा। अबे तू क्या करेगा भाई करियर खराब, मेरा कर लिया और सुन, तेरी गाँव में दम होना, मैं कर रहा हूँ कंप्लेंट हर मंडे को एक 30-40 सेकंड की वीडियो डालूंगा तेरी कंप्लेंट के खिलाफ, और तेरी गाँव में कुवत हो, तेरी इतनी सी भी दम हो ना, इतनी सी भी साले को रोक लेना, और तू 40 साल कॉलेज तेरी खुला चैलेंज दे रहा हूँ, तो अगर तेरी औकात इतनी सी गाँव में तूने BMS को IAS बना रखा है, मतलब जिसने BMS नहीं किया वो अपनी आजीविका नहीं चला सकता, मतलब जो सब्जी बेचने वाला फल बेचने वाला आदमी है वो अगर घर जाता है 9-10 बजे तो उसका बच्चा उसका बाप नहीं बोलेगा क्योंकि उसने BMS नहीं किया। अबे सुन बे, मैं तुझे चैलेंज दे रहा हूँ, तेरी जितनी औकात हो, तेरे जितना करोड़ों रुपए हो, तेरी जितनी गाँव में कुबत हो ना, तो मेरी डिग्री रोक के बता, मैं तुझे खुला चैलेंज दे रहा हूँ, मतलब अगर मुझे BMS करना होगा, मेरी किस्मत में BMS होगा तो तू रोक लेगा, तेरा मरा बाप भी लौटाएगा ना, अगर मेरी किस्मत में BMS होगा तो वो भी नहीं रोक पाएगा, तेरे 7 और 8 लोगों के जितने पूर्वज हैं वो सब उतर के पूरी शक्ति लगा देना, तो भी मेरा BMS नहीं रोक पाएंगे। अगर मेरी किस्मत में होगा तो, नहीं होगा तो भगवान ने कुछ और सोचा मेरे लिए, तू डिसाइड थोड़ी करेगा मेरा करियर यार, तू थोड़ी ये कहेगा कि ये BMS नहीं करेगा तो ये जिंदगी नहीं जी सकता या ये मर जाएगा आदमी, नहीं कर रहा था मैं BMS, मैं तो खुले आप वीडियो ऑन रिकॉर्डिंग बोल रहा हूँ कि मैं BMS नहीं करूँगा, तेरी डिग्री का कभी उपयोग नहीं करूँगा और कमा के दिखा दूंगा, तो नहीं कमा पाऊंगा क्या, हैं नहीं कमा सकता मैं, वह कैसी बातें करता है। और हाँ, ये बात, और जैसे ये जो लोग बोलते हैं ना, कई स्टूडेंट हैं, बोलते हैं कि हम फेल हो गए, हमें मकरोध्वज की वजह से फेल हो गए, हमने उसका साथ दिया था इसलिए फेल हो गए, रिजल्ट नहीं आ रहा मकरोध्वज की वजह से नहीं आ रहा, पेपर नहीं हो रहे मकरोध्वज का साथ दिया था इसलिए नहीं हो रहे, पानी बरस रहा है मकरोध्वज की वजह से बरस रहा है, गर्मी पड़ रही है मकरोध्वज की वजह से, फिर 20,000 भी मकरोध्वज की वजह से आए क्यों, वो नहीं आए हैं, वो नहीं आया, 20,000 नहीं आए, और सबका मकरध्वज कर रहा है, हर चीज़ मकरध्वज कर रहा है, पूरे करियर का पूरी जिंदगी का पूरा वो ठेका मकरध्वज ने लिया है, लेकिन 20,000 रुपये नहीं आ रहे। खैर, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, जब भी मौका लगेगा मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जिन पर वीडियो बनाना है। तो ये साले भड़ुए, ये साले CCIM वाले हैं, मैंने ऑन रिकॉर्ड इनके कॉलेज की पूरी पोल खोली थी, पूरी वीडियो दी थी, पूरे रिकॉर्ड दिए थे, पूरे रैगिंग के ताला टूटा था, कुंडी टूटी थी, हर चीज़ दी थी इन्हें, लेकिन ये भड़ुए साले भ्रष्ट आदमी, ये अधिकारी उस सड़े से कॉलेज को, पांचवी के स्कूल को प्राइमरी से प्री प्राइमरी भी स्कूल नहीं है वो, और उसको BMS कॉलेज बना के चले जाते हैं। अबे अपने लौटे को भेजो 2 दिन मई जून की गर्मी में, क्यों नहीं भेजते हो, 1 दिन बिठा के देखना मई जून में, 3 लाख रुपए दोगे तुम उस कॉलेज को कि नहीं,
मतलब हमको 3 लाख रुपए दें, 84,000 हॉस्टल की फीस दें, 50,000 रुपए सिक्योरिटी मनी दें, और तुम्हें 20,000 रुपए काउंसलिंग का दें, 3,000 रुपए तुम्हें मिसलेनियस फीस की दें जो कि कोई मतलब ही नहीं है, और तुम हमें हॉस्टल में लाइट नहीं दोगे, तुम्हें पंखा नहीं चलाओगे, अच्छा बाप का मान लेगा तुम्हारे, तुम्हें बाप का कर्जा देना है मादर चोद, बीएमएस करने आया तो घोड़ी घर लौटा दें अपना है, क्योंकि तुम्हें फीस तुम्हें चेक दे चेक दिए साले ब्लैंक, अरे साले तुम्हारा ये सांत्वना पुरस्कार नहीं चाहिए, रख लो अपनी सांत्वना पुरस्कार, ऐसे बाल्टी भर के भगोने भर के रखे मेरे घर, उल्टे पूरे कॉलेज को बांटना हो तो 100 पुरस्कार निकलेंगे मेरे घर, जला ले आना सांत्वना पुरस्कार, चूतिया कहेंगे ऐसे 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 में ना उसकी साले पढ़ुए। सुन सुन मैं तुझे बोल रहा हूँ कि मैं हर सोमवार को हर मंडे को 30-40 सेकंड की एक एप्लीकेशन लिख के एक वीडियो बना के और मैं अपलोड करूंगा, और तुझे जो खाते बने तेरी गांड में जितनी कुबत हो ना, तेरी जो कर पाए तू कर, और तू तेरा कॉलेज बचा ले, मैं तुझे खुला चैलेंज दे रहा हूँ कि जब तक शरीर में प्राण है तेरे कॉलेज को नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा। चलो बहुत है यार साले, 60-60 साल के दो आदमी, 55-55 साल के दो आदमी, और एक 45 साल का, और पूरा 80-90 स्टूडेंट और पूरा स्टाफ लोगों का कॉलेज, अगर एक जन के पीछे पढ़ा तो मेरे साले प्राउड फील होता है मुझे, इस साले कम से कम 200 लोग लगे हो मेरे पीछे, मुझे खुशी होती है इस बात की कि मैं अकेला लौट रहा हूँ बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का जो अपने हक के लिए हाईकोर्ट इलाहाबाद गया, मुझे खुशी है इस बात की, अगर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े संविधान पीठ जाना पड़े तो जाऊँगा, लेकिन तुझे सुन मैं जब तक प्राण रहेंगे ना तेरे कॉलेज के खिलाफ लड़ूंगा और मिटा के रहूंगा। एक टाइम मुझे याद है एक हॉस्टल में किसी गर्ल्स हॉस्टल में किसी की तबीयत खराब हो गई थी, तो ये जो लोकल के कॉलेज के जो नेता थे ना 2-4 लोग, ये मेरे पास आए रात को 11:30-12 बजे की बात है, ये सवाई कह रहे हो तुम यूनिटी में साथ नहीं दे रहे हो, तुम यूनिटी नहीं दे रहे हो, यहाँ वार्डन साहब एम्बुलेंस नहीं भेज रहे हो उसके लिए, और तुम यहाँ लेटे हो, चलो चलो उठो उठो, अरे भाई साहब ये मुझे 12 बजे ले गए, और जब मेरी बारी आई मदर, जब मेरी बारी आई मैंने इनके हाथ जोड़े पैर अकेले ऐसे ना तल में नीचा ले ऐसे, और मैंने हर चीज़ की इनकी कि यार तुम यार मेरा एक साथ दे दो यार, एक बयान दे दो जो सही बात है, जो ताला टूटा जो कुंडी टूटी, 3 थप्पड़ मारे किसी को तो 8 मारे हैं, ऐसे ऐसे पिंपल में से ना खून निकला था जिस दिन 8 थप्पड़ पड़े थे, और वो 2 मिनट में पलट गया यार, अरे जमीर तो होता है कुछ यार, बताऊंगा किसी दिन, और कभी वीडियो बनेगी ना तो सबके पेपर रखे हैं RTI से सब निकल जाता है, किसी के स्टाम्प हैं, किसी के पेपर हैं, किसी के बयान हैं, किसी 6-7 लोगों के बयान हैं, एक पूरी क्लास के पर्चे पे है कि नहीं नहीं, और ये सब मुर्गे बनते थे यार मेरे आंखों के सामने, मैंने देखा है, मैं तो चलो फिर भी बहुत ठीक था, अकेला बैच ना होने में थप्पड़ पड़े यार। आखिरी में जरूर इतना बोलूँगा कि यार ठीक है मैं, ये मेरा गुस्सा है, मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ कि आप करो आप आओ मेरा साथ दो, किसी की ज़रूरत नहीं है, कसम से इतनी सी जरूरत नहीं है, इतना एक्सपीरियंस सीखा हूँ ना कि जो 20 या 40 करोड़ रुपए भी देता मैं तो भी मुझे शायद ये LLB की डिग्री भी नहीं सिखा पाती जो जितना अभी सीख गया हूँ, और खुशी है मुझे इस बात की कि इन लोगों ने धोखा दिया, इन लोगों ने किसी ने FIR करवाई, किसी ने की बिक बिक के की 1 लाख रुपए में यूनिवर्सिटी टॉप के ऑफर मिले और लोग बिक गए, खुशी है इस बात की कि मेरे लिए कम से कम कोई आदमी परेशान तो है, और ऐसा तो है नहीं कि कोई मुझे बोल दे कि नहीं अब तुम डिग्री छोड़ दो, और ऐसा है कि डिग्री कहीं नहीं जाती, किसी की डिग्री नहीं जाती, जिसने एडमिशन लिया है एडमिशन ने चूतियों ने कबूतरों ने नहीं दिया, DGME ने ऑफिशियली एक आपको पत्र दिया था, मेरा 1225 नंबर सीट था, किसी का कुछ होगा तो वो सीट है, वो कहीं डिग्री जा नहीं रही, किसी की डिग्री कहीं नहीं जा रही, और अगर आप कॉलेज के बारे में कुछ बोल रहे हो कंप्लेंट बोल रहे हो, आपकी शिकायत है, आप इतना पैसा दे रहे हो, इतना लाखों रुपये में चेक पे तो लिखा रहता है 2,82,900 पता नहीं चलता, ठीक है छोटी सी संख्या लगती है और शायद है लोगों के पास इतना पैसा, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि तुम ऐसे उड़ाओ और कुछ ना लो, ये तो हमसे फिर लाखों रुपए में ले रहे हैं, 12,73,000 रुपए ले रहे हैं, दो पैसा दो, फीस टाइम पे जमा करो, हर चीज़ करो, लेकिन सुविधाएं भी तो लो, उस अपने हक के लिए तो लड़ो, और मेरा किसी से कोई ऐसा पर्सनली है नहीं, जितने भी लोग थे सबने बहुत सपोर्ट किया, बहुत दिया, जितना साथ बना उनसे दिया, जितनी मदद की उतनी काफ़ी है, जितनी नहीं की वो मेरे लिए अनुभव बना, बहुत उम्मीदें थी, मेरा दोस्त छोड़ के गया था जिस दिन 25 जून को, मैंने कसम से सोचा भी नहीं था कि मैं घर से नहीं लौट पाऊंगा 25 जून को छोड़ देगा रूम, उस टाइम पे मेरे पे 3-4 समस्याएं इकट्ठी हैं कि एक दादी को अटैक आया था उसी टाइम पे, ये रूम छोड़ के गया था उसी टाइम, कॉलेज वाले पीछे पड़े थे, मैं परीक्षा में भी फेल था, FIR भी हुई थी मेरे पे, तो मैं ना ऐसे कोने में यार बाथरूम में जाकर रोता था, मुझे याद है ऐसे ही नहीं मैं हाई कोर्ट गया हूँ, मैं मूर्ख नहीं हूँ, मूर्ख नहीं दिखा है कि मैं ना ऐसे घुस घुस के रोता था कोने में कि भगवान यार कहाँ फंस गया, क्या था मैं, क्या हो गया आदमी यार, अपने माता पिता कोटा में पैसे लगाते हैं, कहीं लगाते हैं कि बच्चे को पढ़ा दें कुछ कर दें, ठीक था पढ़ाई में 10th 12th में अच्छा था तो उन्होंने सोचा कि पढ़ाएं, लेकिन ऐसे इसका कलूटे का नहीं सोचा था कि ये मादर चौद अपनी में ना ऐसे ऐसे ले लेगा, अच्छा होता है यार सही में यार,
खैर ठीक है, बकाया आपको थैंक यू जितने भी देखा, आगे भी वीडियो बनाऊंगा, अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगा, जितनी भी कंप्लेंट करूंगा सबकी वीडियो बनाऊंगा, इसकी एक एक शिकायत को मैं ओपन करूंगा। और जो भी स्टूडेंट है मेरा उनसे कोई भी ऐसा ऐसी बुराई नहीं है, सब मेरे दोस्त थे और थे, अब नहीं है, मैं रखना चाहता हूँ ना ऐसे दोस्त, भगवान दे किसी को ना दे कि अकेले छोड़ के चले गए दोस्त। और हाँ यार, दो तीन लोगों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, उनका हमेशा के लिए, हमेशा ज़िंदगी भर के लिए थैंक यू, उनके एहसान हमेशा रहेंगे। जब भी उनको पता है, उनके नाम मुझे पता है कि इन्होंने मुझे मेरी हेल्प की, उनको पता है कि वो कौन है, इतने ही बहुत नाम लेने की जरूरत है, नहीं तो फालतू में वो सोचेंगे अभी मकर दो की वजह से फैल होंगे। तो यार थैंक यू, उन्होंने काफ़ी किया, अच्छा किया, सबके लिए थैंक यू। और बाकी एक बात जरूर कहना चाहूँगा, एक मोहम्मद अनस सर का शेर है कि कुछ गुनाहों की सज़ा हमारे साथ चलती है, अब हम तनहा नहीं चलते, दवा साथ चलती है, और मेरी माँ भी जिंदा है, मुझे कुछ हो नहीं सकता, घर से निकलता हूँ तो दवा साथ चलती है। हाँ, अब इसका क्रियाक्रम करेंगे, देखो सालों ने कितना पवित्र चेहरा लगाया है, एक तो ये थी और एक ये कलूटा है, एक ये साला ये भी मुझे नहीं दिया था इसने, ये किसी दूसरे का है इसलिए हटा रहा हूँ, बचा ये। जलाना है जो एक चूतिया आदमी ने दही थी, जा ऐसा नहीं चले, वाह वाह धंध कान है अच्छे से, तासीर है और का।